तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, और आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है गाइस वो GK1 मेट्रो स्टेशन दिल्ली का, मैं सेंट्रल लाइन मेट्रो स्टेशन का मैं जो है दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके का ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से आसपास के कौन से एरिया है, सारी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो पर बने रहें। अगर गाइस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जो ब्लॉग्स है वो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो पे आप बने रहें। नंबर गेट के पीछे लिफ्ट मिल जाएगा आपको, और ये सामने बस स्टैंड और शौचालय के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है इस बोर्ड पे। थिएटर क्लास 1 मेट्रो स्टेशन का, तो ये फ्लाईओवर गया हुआ है डायरेक्ट यहाँ से गुड़गांव की तरफ जो है रोड गया हुआ है, और इसी के पास में जो है ये सावित्री सिनेमा है। तो यहाँ से गेट नंबर 3 से जो है आप GK2 के लिए जो है आप एग्जिट कर सकते हैं और सावित्री सिनेमा। बाकी मैं दूसरे गेट की तरफ चल के आपको वहाँ का भी बताता हूँ कि उस गेट से जो है आप एग्जिट करके कौन सी तरफ आप जा पाएंगे। उतरेंगे तो अभी सबवे भी बना हुआ है, यहाँ से आप गेट नंबर 2 की तरफ आप जा सकते हैं पैदल। इतना दूर जो है आपको पैदल चलना होगा और यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए भी आप एंट्री कर पाएंगे। नंबर 2 के पास TCIL कंपनी का यहाँ पे है, और सामने ही 16 शौचालय बना हुआ है गेट नंबर 2 के पास, और ये बाहर का एरिया है पूरा ये, और ये रोड यहाँ से गया हुआ है कालकाजी नेहरू प्लेस की तरफ यहाँ से। तो यहाँ से भी बस वगैरह आपको जो है मिल जाएंगे आनंद विहार की तरफ जाने के लिए, या फिर आपको बदरपुर बॉर्डर हो तो दिल्ली में कहीं भी जाने के लिए आपको यहाँ से बस वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा आपको। बाहर से कुछ इस टाइप का है गेट नंबर 2, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का जो है यहाँ पे ऐड दिया गया है यहाँ पे, और सामने ये लिफ्ट है प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए और बाहर की तरफ आने के लिए। तो पूरा ये चौराहा यहाँ पे जो है ये G20 का भी लोगो लगा हुआ है, तो पूरा चौराहा है ये आसपास में ये फ्लाईओवर के नीचे। तो यहाँ से भी रोड क्रॉस करके आप उस तरफ जा सकते हैं। तो गेट नंबर 2 से आप बाहर निकल के थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे तो ये बस स्टैंड बना हुआ है, कौन कौन सी बस आती है वो भी आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो अभी जो है मैं बस स्टैंड पे हूँ और यहाँ से आपको बस दिखाते हैं अभी कौन सी बस आने वाली है। तो ये बस का रूट है, यहाँ पे सारे बस नंबर लिखे हुए हैं, तो ये सारी बसें जो है यहाँ से जाती हैं। ओके, ये बोर्ड लगा हुआ है डायरेक्शन का कि अलकनंदा CR पार्क GK2-3 की तरफ डायरेक्शन है, और यहाँ से पैदल जो है आप गेट नंबर 2 की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल गेट है वो 3 ही गेट है, इस रोड की तरफ जो है गेट नंबर 2 और 1 ये है। तो कुछ इस टाइप का जो है ये मेट्रो स्टेशन है बाहर से, तो सामने ही गेट नंबर 1 है। तो चलो पास में चलूँगा फिर पास आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके का दिखता है ये मेट्रो स्टेशन। नंबर 1 है गाइस GK1 मेट्रो स्टेशन का। यहाँ पे जो फेमस जगह है वो सावित्री सिनेमा है, GK1 का मार्केट है M ब्लॉक का, और GK2 आप जा सकते हैं, और पास में ही जो है बस स्टैंड वगैरह बना हुआ है। तो यहाँ से नेहरू प्लेस और कालकाजी मंदिर और कालकाजी के DDA फ्लैट्स सब आसपास में के एरिया है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मेट्रो से रिलेटेड आपको GK1 मेट्रो से, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट के ज़रिए आपको बताऊंगा जो भी आपने पूछा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फेमस जगह यहाँ के। मैं गेट नंबर 1 से जो है एंट्री करके मेट्रो में एंट्री करूँगा यहीं से चल के, तो ये पूरा सीना आपको नीचे उतरना है। देखिए तो आ चुका हूँ मैं एंट्री करके प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहा हूँ। आप नीचे उतरेंगे जीने से तो ये आपको डायरेक्शन दिख जाएगा कि बोटेनिकल गार्डन की तरफ इस तरफ जाना है उल्टे हाथ की तरफ, और जनकपुरी वेस्ट के लिए यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का जो है ये प्लेटफॉर्म है, और ये सामने डिस्प्ले भी होगा आपको यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो गाड़ी है वो कहाँ जाएगी, और इस तरफ भी जनकपुरी के लिए। तो ये मेट्रो का नाम लिखा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो मेट्रो है वो बोटेनिकल गार्डन की तरफ जाएगी यहाँ से बगैर चेंज किए हुए, और इसके आगे जो यहाँ पे स्टेशन है आगे यहाँ से नेहरू इनक्लेव और कालकाजी मंदिर जो चेंजिंग लाइन है, और उसके बाद बोटेनिकल लास्ट स्टेशन है इसका मैजेंटा लाइन का। मीटर कैलाश मेट्रो स्टेशन मैजेंटा लाइन 1 से जो है आप एक्सिट करके इस जगह पे जा सकते हैं। गेट नंबर 2 और 3 से आप इन जगहों पे जा पाएंगे। अभी के लिए जो मेट्रो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं यहाँ पे, तो आप इसका स्टिकर भी आप देख रहे होंगे, जो पट्टी है वो मैजेंटा लाइन के ही तरह दिखता है यहाँ पे, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि मैजेंटा लाइन की मेट्रो स्टेशन है। तो कुछ इस टाइप का जो है ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पे।
बोटेनिकल के लिए भी टाइम दिख रहा है यहाँ पे कि एक मिनट। तो इस प्लेटफॉर्म पे भी जो है मेट्रो आ चुकी है बोटेनिकल गार्डन्स आने के लिए। इसकी जो ब्लॉग्स था आपको पसंद आया होगा, तो अगर आपने ये ब्लॉग मेरा देखा हुआ है तो आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट के ज़रिए। तो गाइस मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।